आज हम आपको बताने वाले हैं कि YouTube पर कौन कौन सी वीडियो आपके लिए फेक होती हैं और कौन सी होती हैं। इसके लिए हमने कुछ वीडियो सिलेक्ट किए हैं जिनमें बताया जाता है कि आप घर बैठे कुछ वर्क्स कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ग्लासेस वाले, उनमें स्केचेस आने को कैसे हटा जाता है। इसके लिए कुछ वीडियो यूट्यूब पर डली हुई हैं, तो आप उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी एक लेंस जिसमें स्केचेस हैं, और देन उसके बाद मैं आपको YouTube से बताऊंगा कि इस तरह से उस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। ये लेंस है, इसमें आपको स्केचेस शो हो रहे होंगे। देन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि YouTube पे किस तरह से वीडियो को शो किया जाता है। आई ये मैंने एक YouTube पे वीडियो सर्च की है जिसमें बताया जाता है हाउ टू रिमूव स्केचेस फ्रॉम ग्लास लेंसेज। अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं जो इसमें प्रोसेस है मैं उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। देखिए दोनों चीज़ एक साथ हैं। इसमें इन्होंने एक लेंस लिया है और साथ में एक टूथपेस्ट, उसके बाद इन्होंने टूथपेस्ट को लेंस के ऊपर लगा दिया। टूथपेस्ट कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें क्रिस्टल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने इसको रब किया, प्रॉपरली रब करते रहेंगे जिससे कि उसके स्केचेस हट जाएं। अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि इससे स्केचेस हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ देर के लिए इसे होल्ड पर रख दिया है 3 to 4 मिनट के लिए। अब हम भी अपने लेंस को 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से पेस्ट को लगा हुआ छोड़ते हैं। अब हम इस पेस्ट को हटाएंगे लेंस से और उसके बाद चेक करेंगे कि ये काम करते करने का, जिस तरह से इन्होंने क्लीन किया है उसी तरह से हम भी अपने क्लीन करने वाले हैं। वीडियो में क्लीन करते हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आपका लेंस साफ़ हो चुका है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली अब आपको हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये वीडियो फेक है। वीडियो में दिखाए हुए लेंस में आप देख रहे हैं कि उसके स्केचेस रिमूव हो चुके हैं, लेकिन हमने जो लेंस लिया है उसमें अभी तक स्केचेस बकाए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें स्केचेस शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें लेंसेस पे स्केचेस हमारे अभी भी बरकरार हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने लेंस पे किसी भी तरह का पेस्ट का इस्तेमाल करके इसके स्केचेस ना हटाएं, इससे आपका लेंस ख़राब हो सकता है। थैंक यू।